दोस्तों आज हम बात करने वाले ऑल्ट बालाजी के ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड सीजन 2 की। इस बार ये सिर्फ आपको ऑल्ट बालाजी नहीं बल्कि Z5 के साथ मिलके दोनों में आधा आधा देखने को मिलेगा। आई गेस शुरू के 3 एपिसोड Z5 में है और लास्ट के 2 एपिसोड ऑल्ट बालाजी में है, या जो भी है वाइस वर्सा जैसा भी है। बात करते हैं शो की यार, तो देखो कितना वाहियात शो है ये, तो खैर हम बात करने ही वाले क्योंकि आपको भी पता है मुझे भी पता है कि स्टोरी नहीं होने वाली है, टाइटल में ही रिवील हो जाता है कि क्या मिलने वाला है आपको। सो द थिंग इज कि इसका सीजन 1 तो मैंने देखा नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट। ऑल्ट बालाजी से उम्मीद नहीं थी, मतलब ऑल्ट बालाजी ने भी कुछ कुछ शोज बनाए हैं अच्छे, बट द प्रॉब्लम इज कि इस टाइप के शोज बनाना उनको पता है कि क्या व्यूज लाएगा, वही काम कर रहे हो ठीक है। सो गंदी बात वगैरह देखे हुए मैंने उसका एक आध दो तीन दो सीजन देखे मेरे ख्याल से, सो वहीं से पता चल गया कि क्या होने वाला है भाई। मतलब पॉन हब जाले जाओ यार, तुमको पॉन देखना है तो ये मत देखो क्योंकि नहीं है, बट स्टिल ये चलने वाला है क्योंकि पता है घर की लौंडे भरे पड़े हैं, सब देखेंगे ठीक है। तो अब अगर तुम्हें देखना है तो इफ यू वॉन्ट टू नो द स्टोरी, मतलब तुम्हें नहीं देखना पूरा नहीं देखना है तो जस्ट स्टिक विद मी, सिर्फ मेन पार्ट देखो स्किप कर दो। देखो शुरुआत कुछ ऐसा होता है कि 5 एपिसोड है, हर एक एपिसोड में अलग स्टोरी है, अलग ही चीज हर एपिसोड में दिखाया जा रहा है, हर एपिसोड ठरक से भरा पड़ा है। द पूरे शो का कॉन्सेप्ट ये है, हवस के चक्कर में लोग अपनी मार लेते हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। पहले एपिसोड में एक प्लास्टिक सर्जन है जो कि सर्जरी करता है, यू नो व्हाट टाइप ऑफ सर्जरीज ठीक है, तो वो सर्जरीज तो कर रहा है बट अब वहां पे जिसकी वो सर्जरी करता है उसके साथ यू नो व्हाट होता भी है, थिंग्स गेट क्लोजर जैसे ही आगे पता चलता है कि जिसके साथ वो लगा हुआ है शी हैपन्स टू बी स्टेप मदर ऑफ हिज गर्लफ्रेंड। सो ये वाला सीन है, लास्ट में लग जाती है ठीक है। उसके बाद दूसरा एपिसोड है, दूसरा एपिसोड इज अबाउट पार्टिंग, पेरेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने बच्चे पे, बट लेटर ऑन इट हैपेंस टू बी वो बच्चे जहाँ पे पूजा सत्संग के नाम पे जा रहे थे वहाँ खुद मजे मार रहे हैं, सो इट्स लाइक दैट। फिर अगला एपिसोड आई गेस टीवी सीरीज के ऊपर है, टीवी सीरियल का सेट है जहाँ पे रियलिटी एक्सपोज कर रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस थिंग कि ये लोग ना समाज की रियलिटी एक्सपोज कर रहे हैं, हर जगह पे हवस हुई है, लोग छुपा के रखते हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। दिस इज काइंड ऑफ AIB का ऑनेस्ट वाला सेगमेंट, वो वाली याद आ रही थी मेरे को। और फिर मतलब टीवी सेट पे जो लीड रोल है वो बंदा सबकी ले रहा है, सबके साथ कर रहा है, टोक रहा है, जो भी कर रहा है ठीक है। देन एक लास्ट में है, एक हस्बैंड है जो कि अपनी बीवी पे शक करता है और वो अपने दोस्त को पैसे देता है सो दैट ही कैन हैव सेक्स विथ हिज वाइफ, सो दैट ही कैन प्रूव दैट हिज वाइफ इज चीटिंग ऑन हिम। समझ रहे हो कितना भयंकर लेवल वाला माल फूंक रहे हैं लोग। इस बीच में एक एपिसोड ऐसा है, शायद तीसरा एपिसोड है जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया, वहां पे ना थ्री वे दिखाया है बिटवीन अ गाय अ गर्ल एंड अ गे, यस टू गाइज एंड अ गर्ल, उनके बीच में पता नहीं बहुत कुछ होता है, बकवास सी चीज है। आपको पता है यार असली माल तो दिखाने होने वाले ये लोग, तो यार देखना है तो देखो नहीं देखना है तो मत देखो, कुछ नया रखा नहीं है बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय जस्ट एंजॉय। यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड या सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मीन आपको भी अच्छा लगेगा कि आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द आएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। सो डू इट, देख रहे हो कितनी गर्मी में कितने पसीने में वीडियो बनानी पड़ रही है, थोड़ा देखो बट स्टिल कोई ना।